قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تخرج لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محفل میلاد پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس سینٹر کے تمام دوستوں کی وابستگی کو اور شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جامعہ کی کاوشوں کو کوششوں کو کاوشوں کو محنتوں کو جو اس سینٹر کے حوالے سے ہیں رب کریم اسے توشہ آخرت بنا دے. میں نے خطبہ انتہائی مختصر اس لیے پڑھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں سے زیادہ میں بات بھی کر سکوں اور پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں. آپ نے نقیب محفل کی نقابت کو سنا, ماشاءاللہ انہوں نے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے حوالے سے موسیقی بچھاور فرمائے. اسی طرح ناشری پڑھنے والوں نے محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش فرمایا. اللہ تعالی مجھے بھی بارگاہ رسالت میں شایان شان جو آپ کی شایان شان ہے اگرچہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے مگر یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کا حسن آئے, خیالات کا حسن ہو, تخیلات کا حسن ہو اور ایسی خوبصورت بات کی جائے جو دلوں میں اتر جائے اور ذہنوں کو نور بخش جائے. جس چیز پہ مجھے بات کرنا ہے وہ بہت سادہ سا موضوع ہے ہمارا, لیکن ہم اس کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اس موضوع پہ تلائے ہی درائے ہیں. لفظ نیند پہ بات کی جاتی ہے قرآن مجید میں, میں نے جو آیت پاک پڑھی اس میں لفظ نیند موجود. اب عید کا لفظ ہم جب بولتے ہیں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ اپنے مقام
मैं अकबर के इतिहास से दुरुस्त नहीं बोलते, ये सवाल होता है, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू में इस सवाल को फोकस रखेंगे और हम ये दोस्तों के सामने बता पाएंगे कि ईद का माना क्या है और ईद के हवाले से इंसान मसर्रत की जानिब जाता है, खुशी की जानिब जाता है। यानी जब आप ईद का लफ्ज बोलते हैं तो दूसरे लम्हे आपके जहन में मसर्रत और खुशी का एक ख्याल आता है। और फिर ये है कि मसर्रत और खुशी के इजहार के हवाले से, इजहार आप जब करते हैं तो इजहार के मुख्तलिफ अंदाज हो जाते हैं। और फिर ये है कि इजहार का अंदाज जो होता है वो आपकी ईद से जुड़ा होता है, ईद के तखय्युल से जुड़ा होता है, ईद के नजरिया से जुड़ा होता है। अब ईद का माना ये है कि किसी चीज का बार बार लौट के आना। जब आपकी जिंदगी में कोई भी चीज लौट के आती है ईद कहलाती है, अरबी के इतिबार से। जिस तरह आप हर बड़े को सईद कहते हैं, या सईदी या आखी या सईदी अरबी में कहते हैं, तो हर बड़े को, हर बड़े मकाम वाले को, मनसब वाले को सईद के लफ्ज से अरबी में याद किया जाता है। इसी तरह ईद के माना में जो है वो बार बार किसी चीज का लौट के आना। जब बार बार कोई चीज लौट के आती है तो उसे ईद कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ के जो इमाम खतीब हैं, मैंने देखा कि उनकी आवाज में अल्लाह ने लोच रखा है, अगर वो तिलावत कलाम मजीद फरमाते हैं, मोहतरम जनाब फखरुल कुर्रा शाहिद खतीब साहब अगर तिलावत कलाम मजीद फरमाते हैं और हर बार आप हज महसूस करते हैं, यानी जब वो तिलावत फरमाते हैं आप खुशी महसूस करते हैं, तो आप उसके लिए भी अरबी में लफ्ज़ ईद बोल सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गम भी लौट के आता है। जब गम लौट के आता है, यानी जो चीज लौट के आए खुशी हो तो उसे ईद कहते हैं। लौट के गम भी आता है, मगर शरीयत ने बड़ा खूबसूरत लहजा रखा है। पैगंबर करीम इंसान की नफ्सियात को पूरी तरह जानते थे और यकीनन ये भी पहचानते थे कि मेरी उम्मत पे कितनी मुश्किलात आएंगी, कितने मसाइब आएंगी। मौजूदा दौर उम्मत के लिए मसाइब का दौर, मुश्किल दौर, अपनी नस्लों को बचाने का दौर भी है। ये दौर बड़ा अहम है हमारे लिए कि हम कैसे अपने सरमाया हयात को कैसे बचा पाएंगे और कैसे अपनी नस्लों को सही डगर पे लेके आएंगे, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो लेकिन ये है कि मसाइल का दौर है। पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम के बारे में फरमा दिया कि तीन दिन से ज्यादा गम नहीं, तीन दिन से ज्यादा तो गम नहीं करना। पूरा कुरान और हदीस छान लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं होगा कि आप तीन दिन से ज्यादा खुशी न करें। यानी खुशी के लिए तसलसल रखता मगर गम के लिए तसलसल नहीं रखता। किसी को अगर ख्याल है इस बात का कि रबीउल अव्वल में वफात भी हुई है तो यकीनन उसे जहन में रखना चाहिए कि हम दोनों मनाते हैं। मगर मेरे पैगंबर ने फरमाया है सोग नहीं, तीन दिन से ज्यादा की सोग की चूंकि इजाजत नहीं है और खुशी की लामुतनाही इजाजत है, लिहाजा हमने शरीयत के उस दायरे को देखा, उस अंदाज को देखा कि हमें ईद देखना है कि हर साल आती है। पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हर साल उस सन में आती है, उस डेट को आती है। So, हम उस तारीख को सिंबल बनाते हैं। ये नहीं है कि हमें पूरा साल खुशी नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि हमें पूरा साल खुशी नहीं होती। हम पैगंबर के किसी भी लम्हे जब हमें कुर्बत नसीब हो जाए, कोई उमरा पे जाके कुर्बत महसूस करे, यहाँ पे रहते हुए कुर्बत महसूस करे, कुरान की तिलावत में कुर्बत महसूस करे, वालिदैन की खिदमत में कुर्बत को महसूस करे, मस्जिद के सजदे में आके कुर्बत को महसूस करे,
या बड़ों के इहतराम में कुर्बत को महसूस करे, या दीन की खिदमत में कुर्बत को महसूस करे, जिस तरह भी कुर्बत को महसूस करे, कुरान मजीद ये बताता है कि हर लम्हे उम्मती अपने नबी की कुर्बत से खुश हो सकता है। मगर ये इसलिए रखा गया ताकि बच्चों में ये बताया जा सके कि जिनमें अभी शुरूर नहीं आया, जो बाशुरूर नहीं है, उन्हें पता चल सके कि पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख को पैदा हुए और ये अदब व इहतराम के मुंतकिली का दिन है, ये इज्जत व फैज के मुंतकिली का दिन है, ये मोहब्बत के मुंतकिली का दिन है। यानी ये बात नहीं है कि हमने 12 को ही मनाना है, ये दरअसल मुंतकिली का दिन है। यानी ये मकसद नहीं है कि हमने इसी दिन ही मनाना है, ये दिन हमने इसलिए मनाया है कि ताकि हम बच्चों में इहतराम मुंतकिल कर सकें, बच्चों में अदब का फैज मुंतकिल कर सकें, बच्चों में मोहब्बत रसूल को मुंतकिल कर सकें, वो बच्चे चरागा देखें, हमारी मोहब्बत के इजहार को देखें, हमारी मोहब्बत के अंदाज को देखें, ताकि बच्चों में पहचान का सफर हो सके। इधर बच्चा बाशुरूर हो, उधर चलने के काबिल हो जाए, बेशुरूर है अभी, शुरूर नहीं है उसमें, इस काबिल नहीं है कि वो चल के आ सके, तो वालिदैन अपने बच्चों को उठा के लाए। मैं अब पाकिस्तान में था तो मैंने देखा कि गली कूचों में चरागाह है और बच्चे इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, और कोई झंडे लिए फिरता है, कोई नारे लगा रहा है, कोई या मुस्तफा या मुस्तफा या मरहबा कह रहा है। एक अजीब सी विजदान की कैफियत है, मोहब्बत की कैफियत है। मैं समझता हूं कि पूरा साल मोहब्बत के लिए मौजूद है, मगर उन बच्चों को कैसे बताया जा सके कि हम पैगंबर से प्यार कितना करते हैं। बच्चे हर ईद पे कपड़े बनवाते हैं, हर बकरा ईद पे कपड़े बनवाते हैं, हर शादी पे कपड़े बनवाते हैं, हम उन्हें बता सकें कि सारी ईदें नीचे हैं पर ये ईद सबसे बड़ी, यही तो बताना है। कोई भी ईद शायद अदब को मुंतकिल न कर सके, मगर ये ईद अदब को मुंतकिल करती है। कोई भी ईद मोहब्बत को मुंतकिल न कर सके अपनी नस्ल की तरफ, मगर ये ईद मोहब्बत को मुंतकिल करती है। कोई भी ईद हो सकता है वो फैज न दे सके, जो 12 रबीउल अव्वल की ईद हमें फैज देती है। हम इतने इज्तिमा के साथ, शायद इस मोहब्बत के साथ कशा कशा ईद पढ़ने ना जाएं, मगर ये है कि हम जब पैगंबर करीम की विलादत में आते हैं, विलादत पाक को मनाने के लिए आते हैं, तो हमारे कशा कशा दिल खिंच के आते हैं। हम इस सोच के साथ आते हैं कि हमने मोहब्बत से बैठना है, मोहब्बत से सुनना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, इस ख्याल से आया हूँ। आप में से कितने दोस्त बहुत दूर से आए होंगे, इसी ख्याल से आए होंगे कि हम सुनते हैं कि ये शख्स पैगंबर का बयान कैसे करता है, मिलाद को कैसे बयान करता है, फजाइल को कैसे बयान करता है, मोहब्बत को कैसे बयान करता है। आप सोचते हैं कि हर फूल की खुशबू जुदा गाना होती है, मुख्तलिफ होती है। आलमे दीन सुनने के लिए आते हैं, शायद आलमे दीन को सुनने के लिए नहीं आते, आप पैगंबर की बात को सुनने के लिए आते हैं। आप मुझे सुनने नहीं आए, मेरी जुबान से पैगंबर के कलाम को सुनने के लिए आए, आप मेरी बात नहीं सुनने आ रहे, पर मेरे कलाम का ताल्लुक मेरे नबी की जात से होता है, तो आप उसे सुनने के लिए आ रहे। मैं और जगह भी इंतजाम करूं तो आप नहीं आए, मगर यहां पे कशा कशा आते हैं। ये दिन फैज के इंतकाल का दिन है, ये दिन अदब के ट्रांसफर करने का दिन है, इसलिए हम कहते हैं कि इस ईद से बेहतर कोई ईद नहीं, क्योंकि ईद उल अधा मिली है, ईद उल फितर मिली है, पैगंबर करीम ने जुमा को ईद कहा है, आप अरफा को भी ईद कह सकते हैं, बाकी मामलात को भी ईद के हवाले से कह सकते हैं, मगर उस ईद में वो चीज मुंतकिल नहीं होती जो इस ईद में मुंतकिल हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि यह सरदार है, ये सरदार है, इसलिए कि अगर पैगंबर करीम की घरवाली अगर
پیغمبر کریم کی زوجیت میں آ جائے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, کہ اے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک پیغمبر کریم کے حرم پاک میں آنے کے بعد اس کائنات میں آپ جیسی کوئی عورت ہی نہیں, آپ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. جب صحابی رسول کی بات آتی ہے تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانی سے, ارتدیتم کہ جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے کہ صحابہ جیسا کوئی انسان نہیں, کیونکہ پیغمبر کریم کی صحبت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عید الفطر عید میلاد النبی جیسی نہیں ہے, عید الاضحیٰ عید میلاد النبی جیسی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حرم پاک میں خاتون آ جائے تو اس جیسی خاتون نہیں ہے. اگر دیدار نبوی ایمان میں نصیب ہو جائے تو اس جیسا انسان نہیں ہے. جب اس جیسا انسان نہیں ہے تو پھر اس جیسی عید بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی کہے کہ آپ نے کیوں ایسے شروع کیا, حالانکہ ہم نے نہیں شروع کیا, ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک, اصل میں ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ آپ فرض فرما رہے ہیں, اور صحابہ کرام ہر لمحے رسول اللہ کی یادوں میں مگر رہتے تھے. بھئی جو صحابہ ازواج کے گھروں میں چکر لگاتے ہوں گے چھوٹی عمر میں, آپ ان صحابہ پہ غور کیجیے نا, کہ جو صحابہ, یہ نہیں ہے کہ ہمارا ماحول نہ دیکھیے نا, آپ اعتراض سے پہلے یہ دیکھیے کہ صحابہ ازواج کے گھروں میں چکر لگاتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے. حضرت عبداللہ ابن عباس 13 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی, تو صحابہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں چکر لگاتے تھے, رسول اللہ کی قربت کو اور خوشبو کو محسوس کرتے تھے, رسول اللہ کے پیار کو محسوس کرتے تھے, رسول اللہ کی محبت کو محسوس کرتے تھے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نے فیض کو منتقل کرنا ہے, ہم نے محبت رسول کو منتقل کرنا ہے. بھلا ان صحابہ کو کیا ضرورت تھی اس چیز کی کہ جن کے پاس تو براہ راست فیض رسول منتقل ہو رہا تھا. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا. صحابہ کے لیے تو ہر لمحہ عید کا اس لیے تھا کہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ فیض منتقل ہو, ادب کا, احترام کا, محبت کا, یہ اس لیے ہے. وہاں پر تو یہ تھا کہ مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں کھیلنے والے بچے جو ہیں وہ دیکھا کرتے تھے, کبھی حضرت عائشہ کو دیکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی حضرت حفصہ کو دیکھتے, کبھی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے, کبھی حضرت عمر فاروق کو دیکھتے تھے. انہیں یہ مسئلہ درپیش نہیں تھا کہ مسئلہ ہماری نسلوں کو درپیش ہے. جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اسی طرح کے حل بھی ہوتے ہیں. عید ہم نے عید کے حوالے سے دیکھ لیجیے, ہمارا فلسفہ بالکل واضح ہے, دو ٹوک ہے. کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز سمبل بن جائے ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے سمبل بن جائے, اس طرح سمبل بن جائے کہ بچے سمجھیں کہ اس عید کو ہم نے عزت سے منانا ہے, اس عید کو ہم نے ادب سے منانا ہے, اس عید کو ہم نے محبت سے منانا ہے, اس عید کو ہم نے پیار سے منانا ہے, اس عید کو ہم نے وقار سے منانا ہے. اس خیال کے ساتھ بچوں کو کے منتقل کرنا ہے کہ پیغمبر کریم کا ادب و احترام کیا ہے. آپ دیکھیے, یاد رکھیے کہ اگر شروع سے پہلے پہلے بچے کا بھی اپنا شروع ہوتا ہے, جسے ہم بے شعوری کہتے ہیں, مگر بچے کا اپنا شروع ہوتا ہے, اگرچہ سدے شروع ہمارے جیسی نہیں ہوتی مگر اس کا بھی شعور ہوتا ہے. اگر ہم بچے کے اس شعور میں جو چیز منتقل کر دیں, وہ چیز کائنات کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. آپ دیکھیے نا, بچپن کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور بچپن کی یادیں ہمیں بے چین رکھتی ہیں, بچپن کی باتیں بھی ہمیں یاد ہیں. اگر بچپن میں ہی ان بچوں کو پیغمبر کریم کا ادب و احترام بتا دیا گیا, منتقل کر دیا گیا,
तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बेअदब बना सकती नहीं कर सकती नहीं कर सकती यही मकसद है ईद मिलाद उन नबी यही मकसद और कोई मकसद नहीं है यही मकसद है कि हमारी नस्ल में अल्लाह ना करे कि कोई बेअदब पैदा हो यही मकसद है उलमा का यही मकसद है मशाइख का कोई अगर इस मकाम पे गलत बात करता है तो उसकी अपनी मर्जी है मगर उम्मत का मकसद यही है इसके सिवा कोई मकसद नहीं है कि आने वाली नस्लें कयामत तक हमें से कौन चाहता है कि हमारी नस्ल में से कोई शख्स बेअदब हो जाए पर हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी नस्ल बाअदब हो जाए अगर हमें अपनी जात के लिए अदब पसंद है तो फिर पैगंबर करीम के लिए और मैं समझता हूं जो पैगंबर का बाअदब है वो वालिदैन का भी बाअदब है इसलिए सादा बात है कि ईद का माना लौट के आना है बार बार किसी चीज का और खुशी लौट के आती है अगर किसी को खुशी होती है तो खुशबख्त इंसान है तो खुशी के मौके पर जो गमजदा हो जाए इसका मतलब है या तो उसे पता नहीं है या फिर वो हसद में है कोई तो बात है या कहीं गलती पर है उसकी सोच और फिक्र गलती पर है ईद के मौके पर तो इंसान दुश्मनी दुश्मन की खुशी हो तो इंसान कहता है भाई दुश्मन की खुशी है चलो ठीक भाई उसे खुश होने दो कम से कम दुश्मनी सही लेकिन खुश तो होने का हक उसे भी है मगर यह है कि यहां पे उम्मत खुश हो जाए तो कुछ लोगों को ख्याल होता है तो खुश नहीं होना चाहिए कि रंग भक्त को ना डाले न मनाए हमें इतराज नहीं पर रंग तो खराब ना करे तुम्हारा हमारा रंग और ढंग तो खराब ना करे ना ये इतराजात करके हम जो करना चाहते हैं हम समझते हैं कि जायज हदें क्या है कौन सा मुसलमान है जो जायज हदों को ना समझता हो वो गलती कर सकता है मगर जायज हदों को मुसलमान समझता है कि जायज हदें क्या है तो अब ये है कि हम ईद मनाते हैं खुशी लौट के आ जाए और खुशी लौट के आती है हमारे लिए और मैं समझता हूं कि हमारी खुशी कई बार आती है जब हम देखिए हम चैनल पे नाज शरीफ सुनते हैं तो हमारी खुशी लौट के आ जाती है कोई खिताब कर रहा होता है हम गौर से सुनते हैं हमारी खुशी लौट के आ जाती है हमारी खुशी लौटती है अब देखिए हम नमाज में पढ़ते हैं खुशी लौट के आने की बात कर रहा हूं अब कभी मैं नमाज की अदायगी पे गौर करता हूं तो आप देखिए कि हम कयाम की हालत में पढ़ते हैं सुभानकल्लाहुम्मा से आगाज करते हैं फिर कयाम करते हैं फिर रुकू करते हैं फिर सजदा करते हैं एक रकत मुकम्मल हो जाती है फिर हम दूसरी रकत में बैठते हैं हम तशाहुद पढ़ के फिर उठ जाते हैं तशाहुद के अंदर क्या होता है इतना कहने के बाद कि सब कुछ अल्लाह के लिए है फिर क्या कहते हैं आप गौर कीजिए ना जुमला लफ्ज देखिए कयाम किया रुकू किया सजदा किया मैं खुशी की बात कर रहा हूं कैसे लौटती है खुशी कि हमने रुकू की हमने कयाम किया रुकू किया सजदा किया हमने ये फारिग हो गए पहली रकत से फिर दूसरी रकत में बैठे जब हम तो हमने क्या कहा अत्तहियात को वस्सलावात को वत्तैयिबात यानी सब कुछ खुदा के लिए इतना कहने के बाद फिर हमने क्या कहा अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुह यानी हमने पहले कहा कि या अल्लाह सब कुछ तेरे लिए है हालांकि अगर देखा जाए सब कुछ तेरे लिए कहने के बाद फिर क्या कहना चाहिए था कहना तो ये चाहिए था अल्लाह तुझ पे सलाम इबारत की तरतीब देखिए ना इबारत की तरतीब को गौर कीजिए हम कहते हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयिबातु ये तीनों चीजें कहने के बाद हम फिर क्या कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाह हैरान कुन बात नहीं
से अर्ज की है कि या अल्लाह मेरी बदनी, मेरी माली, मेरी जानी इबादतें सारी तेरी जात की खातिर है। पर ये कहने के बाद हमें कहना चाहिए था ऐ अल्लाह तुझ पर सलाम, वो तो सलामतियों वाला है, तो बड़ी बरकतों वाला है, तो बड़ी अजमतों वाला है, तो बड़ी शानों वाला है, तो बड़ी इफ़तों वाला है, ये कहना चाहिए था। तरतीब तो ये बनती है, तरतीब तो ये बनती है। पर अल्लाह ने बताया कि सब कुछ तो मेरे लिए कहने के बाद फिर तुम्हें सलाम अपने नबी पर भेजना, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ आपका मेरा है, मगर खाली के कुल में आपको माली के कुल बना। मैं जब ये दो तरतीब देता हूं तो अलहजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह का शेर मेरे ज़हन में आता है कि क्या कि खाली के कुल में आपको माली के कुल बना। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ التحيات لله والصلوات والطيبات اللہ فرماتے ہیں اتنا کہہ لیا کہ میرے لیے ہے مگر تم مصطفیٰ کے لیے ہو۔ اب رخ موڑو اپنے مصطفیٰ کی جانب اور کہو السلام علیکا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں پہ تخاطب کا نہیں ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تیرے لیے، وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، ایھا بھی نہیں ہے، تیرے کا لفظ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اور آگے پیغمبر کریم کا اس میں گرامی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اس میں گرامی نہیں ہے، اللہ کا اس میں گرامی ذاتی موجود ہے، پر پیغمبر کریم کا اس میں گرامی ذاتی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ذاتی نام رکھا اور یہ بتایا کہ جو مجھے پہچانتا ہے اس کی پہچان کا حق اس وقت ہوتا ہے پورا جب وہ اپنے پیغمبر پہ درود و سلام بھی بھیجے۔ یعنی آپ نے سب کچھ اس کے مل کر دیا، اب کیسے پہچانا جائے گا کہ آپ نے سب کچھ اسے دے دیا؟ اس کے پہچاننے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ کیا تم خلوت و جلوت میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے ہو؟ بھئی آپ نے کہا میری زندگی سب کچھ اس کے لیے ہے، پر طریقہ اظہار کیا بتایا کہ خوشی کے اظہار، یہ بڑی خوشی کی بات ہے نا کہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ میری یہ جان بھی، میرا مال بھی، میری اولاد بھی، میری نسلیں بھی، میری جاگیر بھی، میری دولت بھی، میرا مکان بھی، میرا بزنس بھی، سارا اللہ کی خاطر، سارا اللہ کی خاطر ہے۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کو آپ سمجھ لیں کہ بھی کیسے پورا ہوگا، ثابت کیسے ہوگا، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے التحیات میں بتایا گیا کہ تم اس عقیدے کو سچا سمجھنا چاہتے ہو تو پھر بھیجو سلام، بھیجو اپنے نبی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ آپ کہہ دیں، امام غزالی السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ یہ لفظ کہہ دیں تو پھر آپ ذرا رک جائیں۔ کیوں رک جائیں؟ تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں رک جائیں؟ اور فرمایا کہ جب آپ نے سلام بھیجا ہے اپنے نبی پر تو ٹھہرو پھر تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پیغمبر آپ پر بھی سلام بھیج سکے۔ ذرا ٹھہر جائیے نا، آپ بھی ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں تاکہ پیغمبر آپ پہ سلام بھیج دیں۔ اور آپ دیکھیں کتنا پروٹوکول کے ساتھ سلام بھیج رہے ہیں، کتنا پروٹوکول ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلام، ایھا النبی۔ اور دیکھیں ایھا الرسول نہیں ہے، کبھی ترتیب عربی اور صحابہ کرام کے اس حوالے سے میں سوچتا ہوں، ایھا الرسول نہیں ہے، ایھا المزمل نہیں ہے،
ایوہ المدثر نہیں ہے، ایوہ الشاہد نہیں ہے، ایوہ الداعی نہیں ہے، یا ایوہ النبی. لیکن نبی کا لفظ کتنا بر موقع ہے، کیا السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام ہو آپ پر اے ایسے انسان جو پوری کائنات سے باخبر ہے. سبحان اللہ. تو اگر ساری کائنات سے باخبر ہے آپ، تو پھر میرے درود و سلام سے بے خبر کیسے؟ ایوہ النبی، ایوہ الرسول نہیں ہے، ایوہ النبی. الحضرت نے اس کا معنی بڑا خوبصورت کیا، ایوہ النبی کا معنی اے غیب کی خبریں اللہ، اے باخبر انسان. ایوہ النبی، کوئی بے خبر کہتا ہے اسے تو پھر السلام علیکہ ایوہ النبی کہنے کا تو حق نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ بدل بھی نہیں سکتا، تبدیلی نہیں لا سکتا. اس کی ٹینشن یہ ہے، ٹینشن یہ ہے کہ تبدیلی نہیں لا سکتا، اسے بھی مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے، چاہے بے دلی سے کہے، چاہے دل سے کہے، چاہے ڈوب کے کہے، چاہے بے دلی سے کہے، چاہے مست و بے خود ہو جائے، کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں پیغمبر پہ سلام بھیجوں گا، پیغمبر مجھ پہ سلام بھیجے. کتنا خوبصورت موقع ہے کہ میرا اللہ ہمیں ایک بار نہیں کتنی بار موقع دیتا ہے، آؤ لوٹ کے آؤ نماز میں اور کہو السلام علیکم ایوہ النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، انسان دوزانوں ہو کے یوں کر کے جھولی پھیلاتا ہے،
आपने देखा झोली इंसान ऐसे फैलाता है, बैठती है झोली फैला देता है, बारगाह खुदा में झोली फैला के कहता है अस्सलाम वालेकुम। तो हमेशा देता है कमली वाले सरकार के सत्ते में हमें दिया था, तो हमेशा देता है, उनके नाम पे देता है, उनके नाम पे बटता है। सुबोदयबा मेहूबी बटता है बाड़ा, बटता है बाड़ा नूर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो है ने नूर तेरा सब खरा। इंसान यूं करके बैठता है तो दूसरे अल्फाज में दरअसल झोली फैलाई हुई होती है उसने, और वो संभालता है कि मेरे पैगंबर का सलाम जो मुझ पे आ रहा है कहीं जाया ना हो जाए। इस ज़ौक के साथ नमाज को आइए, फिर देखिए कि ज़ौक आता है कि नहीं आता। अल्लाह जानता है कि जब इस तरह हो ना, फिर जब नमाज पसा होती है तो दुख होता है, फिर दुख होता है, फिर इंसान रोता भी है। क्योंकि मैं पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कैसे कहूंगा सलाम अलैकुम कजा करने के बाद, कजा करने के बाद कैसे कहूंगा, हया सा महसूस होगा, फिर कजा नहीं होगी नमाज। देखिए जो लोग रोया करते थे नमाज के लिए, उन्हें शैतान भी आता था, उठ जाओ नमाज पढ़ लो, तो उनके पास शैतान आता था कि तुम बहुत रोए थे तो तुम्हें नमाजों के हवाले से जरा सवाब ज्यादा मिल गया था, सुबह सुबह आया हूं तुम्हें इसलिए कि जाग जाओ नमाज पढ़ लो, एक ही नमाज का सवाब ले लो, इस तरह मुनासिब नहीं है मेरी तबीयत और मिजाज के मुनासिब नहीं है। ये जो हुजूरी का आलम है इसको यू एंगल से लीजिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आप पैगंबर करीम का जब नाम लें तो दिल आपका खुश हो जाए, गमे दुनिया निकल जाए, गमे माल निकल जाए, गमे जान निकल जाए, बस जाने जाना का दर्द आ जाए। दरअसल ये मकसद है नमाज का, यही है रोजारू होके बैठते हैं। आप देखिए बाकी जगह पे हम मुतहर्रिक रहते हैं, कयाम में मुतहर्रिक है, रुकू में मुतहर्रिक है, सजदे में मुतहर्रिक है, और तहियात में आके पुरसुकून होके बैठ जाते हैं। जिस तरह बहुत दूर का मुसाफिर जब थक हार के आता है तो बैठ जाता है, पर थक हार के बैठ जाता है रोजानों होके हम थक हार के बैठ जाते हैं, जब बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं या अल्लाह सब कुछ ले ले पर सलामती का शर्फ अता फरमा। भाई अय्युहा अरबी ग्रामर के एतबार से, मैं दोस्तों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा, अरबी ग्रामर के एतबार से या दूर और करीब दोनों के लिए, अरबी ग्रामर के एतबार से या दोनों के लिए बोला जाता है। आप मेरे करीब तशरीफ फरमा है, मैं आपसे कहूंगा या, आप मुझसे बहुत दूर हैं फासले के एतबार से अर्ज करता हूं। वैसे तो जब दिल मिलते हो तो दूरियां मिट जाए, फासलों की बात कर रहा हूं, दिलों की बात नहीं कर रहा। दिल तो हमारे गुंबदे खजरा में अब भी है, अभी भी उसकी सब्जी हमारे दिल में है, उसका सब्ज रंग हमारे दिल में। जिन्होंने दस्तार पहनी हुई है सब्ज रंग की, वो यकीनन दिल में सब्ज रंग से मोहब्बत रखते हैं। सब्ज रंग का अक्स हमारे दिल में अभी भी है और मुझे यकीन है कि मौत तक रहेगा, मौत तक रहेगा। ये अय्युहन नबियो, अय्यू का लफ्ज है, अल्लाह ने मसले को हल फरमा दिया, अय्यू का लफ्ज है ही करीब के लिए, है ही करीब के लिए, यानी या में दो ऑप्शन में दूर भी और करीब भी, मगर अय्युहा में ऑप्शन ही है क्या बस। आयत पाक सुनिए कि जिसने इस मसले को हल कर दिया, क्या कुरान ने कहा, अन्नबीयू औला बिल मुमिनीन मिन अन्फुसिहिम। कुरान ने क्यों कहा, हम अतहियात में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अब अय्यू का माना मैं करता हूं, अय्यू का माना गुरबत के हवाले से, ए हमारे दिलों में बसने वाले, ए हमारे दिलों की कैफियत से बाखबर इंसान, बाखबर नबी, बाखबर खत्म रसूल, ए मुज़म्मिल की चादर वाले जो तू बहुत करीब है। कुरान कहता है, क्या कहता है, अन्नबीशु औला बिल मुमिनीन मिन अन्फुसिहिम, ये पैगंबर करीम मोमिन की जानों से भी
سے زیادہ قریب ہے تو پھر ایوہا کا لفظ ہی بنتا ہے یا نہیں بنتا. یا پہ جھگڑا تو ہے ہی نہیں. قرآن نے جب نماز میں قرآن مجید نے النبیوں کہہ دیا, اولا کہہ دیا, پھر ایوہا کہہ دیا, تو ویسے جھگڑا ہونا نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی نماز میں یہی لطف لینا چاہیے, یہی لطف لینا چاہیے. وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, یوں نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہماری بات سمجھ نہ آئے. یوں نہ ہو کہ موت آ جائے اور بات سمجھ نہ آئے. بات سمجھیے, جھگڑا یا پہ نہیں ہے, اب تو جھگڑا ایوہا پہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ ایوہا ہے ہی قربت کے لیے. تو قرآن نے کہا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم, تب یہ کہا کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے, روح سے بھی زیادہ قریب ہے, دل سے بھی زیادہ قریب ہے, دماغ سے بھی زیادہ قریب ہے, خیال سے بھی زیادہ قریب ہے, تخیلات سے بھی زیادہ قریب ہے, احساسات سے بھی زیادہ قریب ہے, جذبات سے بھی زیادہ قریب ہے. جذبات بعد میں نکلتے ہیں, جہاں سے نکلتے ہیں اس سے بھی قریب ہے. جو میں لفظ بول رہا ہوں پہلے خیال بنتا ہے, خیال پھر زبان پہ آتا ہے, زبان پھر کلام میں بدلتی ہے اسے, پر میرے نبی میرے خیال سے بھی زیادہ میرے قریب. اگر قرآن نے کہا میرے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے, اور خیال بڑی نازک سی چیز ہوتی ہے, اگر یہ دب جائیں تو بڑی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. جس معاشرے میں یہ خیالات دب جائیں, جہاں پہ آزادی اظہار نہ ہو, وہاں پہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں جمہوریت اچھی ہے جیسی بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن اس سے ہمیں اختلاف تو ہے, لیکن ہم اس پہ ابھی بات نہیں کریں. بات یہ ہے کہ ایوہا کا جو مسئلہ ہے وہ واضح ہے کہ ہم اس وقت قریب سمجھتے ہیں. دیکھیے ذہن میں رکھیے, میں ایک بات بار بار ایک آدھ دفعہ میں نے کہی, کئی بار کہی, میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں. دیکھیے مسئلہ آپ کی قربت کا نہیں, آپ قریب ہیں کہ دور ہیں یہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ مسئلہ تو آپ کا نہیں ہے, مسئلہ تو میرے قیام کا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قریب ہیں, ہمیں کہاں ضرورت ہے اس بات کی, ہماری ویلیو کیا ہے, ہماری کیا اہمیت ہے. ہم قطرہ آب بھی نہیں اور ذرہ خاک بھی نہیں, ان ستاروں کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں, اس سراج المنیر کے سامنے ہماری حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے, ہماری کیا ضرورت ہے, ہم یہ کہہ نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہتے, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم قریب ہیں, نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری ہمت ہے, پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بہت قریب. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اندر کوئی بات نہیں کی ہے یا ہمارے اندر کوئی اچھائی ہے, پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ اپنے کرم کی بنا پہ قریب ہیں, جسے جتنا مجبور سمجھتے ہیں اس کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں, جسے جتنا بے بس سمجھتے ہیں اس کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں, جسے جتنا بے بس سمجھتے ہیں اس کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں, جسے یتیم سمجھتے ہیں یتیمی کا درد سمجھتے ہیں سو قریب ہو جاتے ہیں, جسے مسکین سمجھتے ہیں محتاجی سمجھتے ہیں محتاج سمجھتے ہیں اس کے قریب ہو جاتے ہیں. دراصل یہ اس میں ہمارا نہیں ان کا کمال ہے. ہم دنیا میں اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی کمال ہے, ہم بات تو یہ کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ وہ کرم فرماتے ہیں. یہ عید ہے جو لوٹ کے آتی ہے آپ, یہ نماز نہیں ہے, عید ہے آپ, اسے عید سمجھیے. عید اس لیے سمجھیے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم رک جائے. دیکھیے کتنا پیارا عقیدہ ہے اس حوالے سے اہل سنت کا, کسی کا دوسروں کا کوئی عقیدہ ہے میں بات نہیں کرتا, وہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے, وہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں, وہ الفاظ میں نے کبھی نہیں دہرائے اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے, وہ الفاظ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اس لفظ کو تحریر کیسے کیا ہے, اسے دہراتے ہوئے میں ڈرتا ہوں, خوف آتا ہے مجھے اس بات سے. وہ جو الفاظ ہیں میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ دہراتے ہوئے موت آ گئی تو ڈر لگتا ہے.
इस बात से डर लगता है कि वो अल्फाज दोहरा रहा हूं और मौत आ जाए। मौत आ गई तो उन अल्फाज पे मौत। अगरचे मैं नकले कुफर कुफर नबाशत के तहत ही दोहरा रहा हूं, पर मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि इस हालत में मेरी मौत आ जाए। मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहता, मगर अहले सुन्नत के अकीदे की मोहब्बत को बयान करना चाहता हूं। क्या कि जब रुक जाए, यह अहले सुन्नत का अकीदा आज की बात नहीं है, इमाम गजाली ने कहा है। और इमाम गजाली 600 किताबों के मुसन्निफ हैं। हम किताबों से ना देखें ना तो भी सैकड़ों साल पहले के हैं, सैकड़ों साल पहले के हैं। झगड़ा तो शायद 100 साल का है, परेशानी तो 100 साल पे हुई है, चाहे वो अंग्रेज के आने से हुई है या अंग्रेज के जाने से हुई है। वो कहते हैं जिंदगी में दो ही लम्हे मुझ पर गुजरे हैं कठन, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। अंग्रेज आ गए तो टेंशन थी, अंग्रेज चले गए तो टेंशन थी। तो बात यह है कि एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। बात यह है कि उस वक्त का मसला हो या आज का हो, बात दरअसल यह है कि वो लफ्ज दोहराते हुए जो आज भी किताबों में मिलते हैं। मैं दोस्तों से कहता हूं यारो वो अल्फाज को खत्म कर दीजिए, तो किताबों से वो अल्फाज को मिटा दीजिए। उस शख्स जो शख्स ये लफ्ज कह गया उसकी कब्र को तो बर्बाद ना कीजिए, उसने गलती की है तो आप तो ना करें ना। साहिबाने शुरू इंसान को गलती नहीं करनी चाहिए। अगर एक लफ्ज वो अपने बड़े भाई के लिए नहीं बोल सकता तो पैगंबर करीम के लिए क्यों बोलता है? जब वो एक लफ्ज अपने वालिद के लिए नहीं बोल सकता तो पैगंबर करीम के लिए क्यों बोलता है? जब वो अपनी वालिदा के लिए नहीं बोल सकता तो पैगंबर करीम के लिए क्यों बोलता है? क्या लफ्जों का असर नहीं होता? क्या लफ्जों में बंदिश नहीं होती? लफ्जों का एहतराम नहीं होता? और आप कहता है आवाज भी बुलंद करो, लफ्ज तो दूर की बात है, लातफ़ाहु अस्वातकुम, अपनी आवाज को बुलंद करो। तो जो बात मैं करना चाहता हूं यह है कि मुसलमान के लिए हर रोज कई बार ईद है। क्यों? इमाम गजाली फरमाते हैं जब आप पढ़ रहे हो तो ठहर जाए। अब ठहरना कितना है? बाज़ उलमा ने कहा कि हम नमाज खत्म ही नहीं करते जब तक पैगंबर करीम से मुलाकात नहीं होती। तो मर्जी है जिस तरह चाहे तू जिस तरह अपना अंदाजा बनाए, हमें किसी की कैफियत पे तो कदबन है ही नहीं, किसी की कैफियत पे हमारी कोई कदबन नहीं है। मोहब्बत और इश्क के इजहार के अंदाज निराले होते हैं। तो कोई अगर रुक जाए, कितनी देर रुकता है उसकी अपनी मर्जी है। जितनी देर गुफ्तगू जारी रहेगी, हाल अहवाल पूछा जाता रहेगा, उतनी देर तो रुकना होगा। अब रुकने वाले कभी तवील रुक जाए, कभी मुख्तसर रुक जाए। अगर बात है अय्युहन नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बात हो गई, जवाबे सलाम हो गया, उसके बाद अगर पैगंबर करीम पूछें कि क्या हाल है तो हमें तो कोई इतराज नहीं। तो पूछने वाले पूछ रहे हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है किसी भी। अगर सलाम का जवाब आता है ये तो पक्की बात है ना, हाल आवाज चलो न सही, पर इतना तो है कि आपने अपनी जुबान से सलाम भेजा। तो इमाम गजाली फरमाते हैं ठहरो इसलिए कि पैगंबर ने भी आप पर सलाम भेजा। ठहर जाइए आप थोड़ी देर के लिए, क्या हाल है आप? इमाम साहब से ये न कहें जरा जल्दी जल्दी करें, काफी सारी पॉइंट पिच होती है। अगर इमाम चाहता है थोड़ी देर के लिए नमाजियों में वो हिस्सा बांट दे तो अगर ये चाहता है तो उसे बांटने दीजिए। अपॉइंटमेंट तो फिर मौत तक नहीं खत्म होगी, जो असल अपॉइंटमेंट है उसको तो हम मिस कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना आईसीसी, तो हम असल अपॉइंटमेंट तो मिस कर देते हैं। जो सुबह निहार हूं हमने अपॉइंटमेंट हमें पैगंबर करीम ने अदा की, अपॉइंटमेंट है आपकी, अपॉइंटमेंट रखी है, फर्ज करार दिया है, नफल नहीं करार दिया, फर्ज करार दिया है इस अपॉइंटमेंट को, ताकि मेरा उम्मती निहार जब कोई ना उठा हुआ हो, सारी दुनिया सो रही हो, मेरा उम्मती उठे और कहे सलाम अलैकुम। Marhaba.
अपॉइंटमेंट है। इसे समझिए, हमारी और आपकी अपॉइंटमेंट है। कितना बुरा लगता है कि पैगंबर इंतजार में कि मेरी उम्मत की सूचना है और उनके सलाम कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है आपको, कितना बुरा लगता है कि अगर कोई शख्स आप टाइम पे पहुंच जाए आपको उसके लिए दो घंटे इंतजार करना पड़े, कितना बुरा लगता है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको, और बिलखुसूस जब आपका बेटा हो, बेटी हो, और अगर वाइफ भी हो तो गुस्सा आया होगा और तो बंदा कुछ ना कुछ निकाल ही देता है, बहुत बुरा लगता है। सोचिए इस बात को, कभी रात को सोने से पहले सोचिए इस बात को। इसीलिए तो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जो शख्स इस इरादे के साथ सोता है कि मैंने सुबह उठना है, अपॉइंटमेंट में उठना है, मैंने सुबह उठना है, आपने फरमाया सारी रात की इबादत में गुजरती है, सुभान अल्लाह, सो जाए तो इबादत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट की याद में सोया है, इस याद में सोया है कि मैंने सुबह उठ के मिलना। और अगर सोया रहे, नमाज चली जाए, सोया रहे, नमाज चली जाए, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि उसने उसका इरादा नहीं है गलती का, लिहाजा उसको उस गफलत का भी सवाब है। आपने देखा, इरादा ना हो तो गफलत का भी सवाब है। अपॉइंटमेंट मिस हो गई, मगर जिनकी अपॉइंटमेंट मिस हुई है उनका दिल कितना खुला है, भाई तुझसे जो गलती हुई इरादे से नहीं हुई, लिहाजा हम तेरी गफलत पर भी तुझे सवाब। आए सही जोते ताल्लुम लेके, हम तो हर वक्त कुशादा है, तबिस रात को अपॉइंटमेंट है आपकी, आप उठते नहीं। सोचिए कि गफलत ठीक नहीं है, इरादे के साथ सोए, इरादे के साथ सोए, बेइरादा ना सोए। एक दिन सुस्ती होगी, दो दिन होगी, तीन दिन होगी, चार दिन होगी, आखिर अपॉइंटमेंट पे पहुंचना। इरादा तो कीजिए ना रात को सोने से पहले, आप सोचिए तो सही कि किसकी अपॉइंटमेंट है। देखिए सुबह हम देखते हैं हमारे सेंटर में बच्चे आते हैं, यहां पर भी माशाल्लाह मैं देखता हूं बाहर भी है और गुलजार भी है, दोस्त मेहनत भी कर रहे हैं। मैं अभी गया जब वजू के लिए तो दोस्तों ने बताया तो दिल बहुत खुश हुआ कि दोस्त इतने प्यारे हैं, बाजौक हैं, खिदमत करने वाले हैं। मैं उन दोस्तों को उस इलाके में जहां पे बाजौक खिदमत करने वाले लोग हैं, मैं पूरे इलाके को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि खुशकिस्मत है वो इलाका जहां पे बाजौक लोग हों, खिदमत करने वाले। बात क्या कर रहा था, हम जब देखते हैं रात को बच्चे ने जब सुबह जाना होता है किसी विजिट, आप कौन है जो यहाँ पे जिनके बच्चे जो बड़े हैं जरा स्कूल जाते हैं सब, देखिए आप रात को जब सुबह बच्चे ने जाना होता है, विजिट पे जाना होता है, तो रात को कितनी बार वो अपने पापा को उठाते, बाबा टाइम क्या हुआ है, जिसे टाइम नहीं देखना आता वो क्या कहता है, जन से बैठे हैं इनका बचपन यहाँ पे गुजरा है, उन्हें ये बातें याद होंगी कि बाबा को उठाते हैं, बाबा टाइम क्या हुआ है। तो बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे जिनके बच्चे हैं या बड़े हैं, जब जब उन्होंने विजिट पे जाना होता है तो बाबा को उठाते हैं, बाबा टाइम क्या हुआ है, बेटा अभी सो जाओ क्या करते हो, रात के 12 बजे तुम कह रहे हो बाबा टाइम क्या हुआ है। बच्चे को रात भर नींद नहीं, नहीं, क्यों, अपॉइंटमेंट है उसकी, उसका विजिट है उसका, उसने सैर करनी है, असातिजा के साथ सैर करनी है, अपने क्लास फेलोज के साथ सैर करनी है, क्लास फेलोज के साथ सैर करनी है, अपनी एज फेलोज के साथ सैर करनी है, पूरी रात मुस्तैद और बेचैन रहता है। अब फिर समझ में आती है कि सहाबा क्यों बेचैन, समझ में आ जाती है विजिट होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि आप सबसे पहले मस्जिद नबवी में क्यों आते हैं, सबसे पहले क्यों आते हैं, कभी देर से भी आया करें। लोग कहते हैं कि
सिलेक्शन खुद पैगंबर ने की है, हमने नहीं। मैं आपको एक और दुआ के हवाले से बात अर्ज करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आप सबसे पहले क्यों आते हैं, तो फरमाने लगे मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें सबसे पहले। सुभान अल्लाह, सबसे पहले दीदारे मुस्तफा। जब रात को सो जाए, मौत आ जाए तो ठीक है, पर जब खुल जाए आंख तो किसी और के चेहरे को। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना चेहरा भी नहीं देखते, सुबह उठ के अपना चेहरा भी, अगरचे वो देखते भी तो उन्हें अपने अक्स में, अपने आईना में भी मुस्तफा का चेहरा नहीं दिख रहा था। हमारा अकीदा है कि उन्हें इतना इश्क था, इतना प्यार था, पर यह है कि वो अपना चेहरा भी नहीं देखते थे। सबसे पहले मुस्तफा करीम का चेहरा एक बार हर एक की मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट है, मुख्तलिफ खुशी है, मुख्तलिफ मसर्रत है। याद रखिए, नमाज को अपॉइंटमेंट समझिए, और वो भी बारगाह रिसालत की अपॉइंटमेंट समझो। क्यों? आप कहेंगे ये कैसी बातें करते हैं आप, ये पैगंबर करीम ने यही फरमाया सल्लू तुम्हारा अल्मूनी सल्लू नहीं फरमाया? पैगंबर करीम ने क्या फरमाया? सल्लू तुम्हारा अल्मूनी सल्लू, नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते देखते हो। तो इसमें क्या हर्ज है कि हम कहें बारगाह रिसालत में हाजिरी है? पैगंबर करीम ने फरमाया कि जिस तरह तुम मुझे देखते हो वैसे पढ़ो नमाज को, सल्लू कमा राय तुम्हें उसल्ली, जिस तरह मैं पढ़ता हूं उसी तरह पढ़ो। अपनी अपनी तरफ न जाना, खुदा कबूल नहीं करेगा, मुझे देखते जाओ और पढ़ते जाओ, सीधी खुदा की कबूलियत। ईद अली अफलीना, ईद का लफ्ज और सब रखते खुशी, ईमान वाले खुश रहते नमाज पढ़ते। अब यहां पे हमने बात की है, अब देखिए असल में पैगंबर करीम का जिक्र पाक इतना प्यारा है, इसे बयान करते हुए मुझे कम से कम वक्त का एहसास जरा कम होता है। आपका एहसास होता है पर वक्त का एहसास, आपका एहसास होता है कि आप शायद थके हुए ना हो, कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ मजबूर होते हैं, कुछ थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन यह है कि मैं बात यह अर्ज करने लगा हूं कि अभी तो हम याद रखिए इजहार मुसर्रत का तरीका एक था, इजहार मुसर्रत का तरीका एक था, जो होता है वो जिस तरह की खुशी होती है उसी तरह की मसर्रत। आपका क्या ख्याल है, ऐसे है कि नहीं? भाई जिस तरह की खुशी आप महसूस करते हैं इजहार भी उसी तरह का होता है, जिस तरह की खुशी आप महसूस करते हैं, जिस तरह की खुशी है इजहार भी उसी तरह का है। देखिए हजरत आमिना, बीबी आमिना सलाहुल्लाह अलैहा, ये कौन नहीं था, लेकिन पहचान मोहम्मद मुस्तफा। आमिना तो बहुत है पर आमिना एक है जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाद। अब देखिए मैंने सिर्फ हजरत आमिना ही कहा है, तारीख में बहुत सी आमिना है मगर आप पहचान गए। इसी को कहते हैं पहचान का सबब, इसी को कहते हैं कि मैं नाम लूं और नाम लेके आप पहचान जाएं कि मैं किस आमिना का नाम ले रहा हूं। इसीलिए अल्लाह ने, अब मैं वापस थोड़ा सा आता हूं फिर आगे चलता हूं, इसीलिए अल्लाह ने अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबातु कहने के बाद नाम ले नाम ले लिया। Marhaba, 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 marh
मसले पे झगड़ता नहीं वो समझ जाएगा, नाम नहीं लिया, हमारी पहचान पे छोड़ दिया। जिस तरह मैंने कहा कि हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, हजरत आमिना तारीख में कितनी गुजरी है आप भी हैं, अगर आप अपनी बेटी की जानिब नहीं आपका जहन जाएगा, आपकी वालदा की जानिब आपका जहन नहीं जाएगा, तो हो सकता है कि खिताब करने वाले मेरी वालदा का नाम ले रहे हो, नहीं आपका जहन नहीं जाएगा, बेटी की तरफ नहीं जाएगा, बहू की तरफ नहीं जाएगा, वालदा की तरफ नहीं जाएगा, बहन की तरफ नहीं जाएगा, मैं जैसे नाम लेता हूं आप कहेंगे यकीनन मोहम्मद मुस्तफा की वालदा है, ये पहचान है। अब आपने कहा तहिय्यातुल्लाह व सलावातु व तय्यिबातु, कुरान तशहुद में कहा गया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तो बहुत से हैं, नबी तो बहुत से हैं, नबी तो बहुत से, मगर आप पहचान गए कि वो सारे नबी हैं में से पर एक ताजदार मुराद है, और वही ताजदार हमारी पहचान है, हम उनकी पहचान नहीं है, वो हमारी पहचान है, वो बड़े हैं वो हमारी पहचान है, हम उनके नाम से पहचाने जाते हैं। तो जब मुसलमान कहता है तहिया पढ़ने के फौरन बाद उसे साथ वाले से पूछने की जरूरत नहीं होती, भाई कौन इस पे हम सलाम भेज रहे, वो नहीं पूछता साथ वाले से। आपने कभी इमाम से पूछा भाई अस्सलाम वालेकुम किस पे भेज रहे हैं हम, अंबिया तो बहुत से हैं, और अगर अन्नबियों देखें कभी, अब ये ग्रामेटिकली बात है, कभी इज्तिमाइयत के लिए आता है अन्नबी, सारे नबी उस पर चांद में उठाते हैं, पर ऐसा नहीं, ईमान वाला कहता है बस एक ही नबी पे मैं सलाम भेज रहा हूं और उसी के फैज से सब पे सलाम पहुंचता है। ये पहचान का सफर है आपका, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप कैसे पहचानते हैं बाबू, पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं कैसे पहचानते हैं, असल बात ये है कि ये कैसे पहचानते हैं तो देखने वाला ही बता सकता है, ये पहचान का सफर है जिसमें आपको तारुफ की जरूरत नहीं है कि कोई बताए आके कि ये कौन है। भाई अगर अबू जहल के हाथ में कंकरियां हो तो वो कहे कि बताइए कि मेरे हाथ में क्या है, आप फरमाए कि मैं बताऊं या वो खुद बताए, क्या ख्याल है आपका कि मैं बताऊं कि वो खुद बताएं, जो तुम्हारे हाथ में है वो खुद बताए, नबी तो बड़ी हैरान कुल बात है, बात ये नहीं है कि हम बताएं, हमारा दिल गवाही दे, नहीं हमारा दिल गलत गवाही दे सकता है, पर चेहरा मुस्तफा कैसे छुप सकता है, सारी कायनात से अलहदा कैसे नहीं होगा। कहते दुबा इब्ने सलाम ने कहा यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, मगर आपकी बारगाह में जैसे ही आए आपके चेहरे पाक को देखते ही कहने लगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आपने पूछा अल्लाह ये क्या बात है, ना सवाल है ना जवाब है, ना कोई बात है ना पहचान की कोई बात है, कोई चीज नहीं है, आपने तो पहले मुझे देखा ही नहीं है। तो आज की रसूलुल्लाह की चेहरा कभी झूठे नबी का हो सकता है, भाई चेहरा कभी झूठे नबी का हो ही नहीं सकता, तो खाब में देखने वाला खुद पहचान लेता है चेहरा मुस्तफा जैसा चेहरा किसका हो सकता। सो इसलिए बात यह है कि पहचान का सफर रखिए और आगे चलिए, हम आगे चलते हैं हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा। आप देखिए कि रिसालत माफ सल्लम आपके बतने अफदस में आए तो हैरानी कुल बात है, क्या अब ये जो अहादीस में बयान कर रहा हूं ये न खबर वाहिद है मशहूर है, यह अहादीस पाक मरफू है, मिलाद पाक के हवाले से मैं इस बात का जिम्मेदार हूं, मरफू से मुराद वो अहादीस है जो रिसालत मासूद सल्लम से रिवायत हो और सहाबी दरमियान से कोई वास्ता मिस ना हो, वो मरफू अहादीस हो, मरफू अहादीस अर्ज कर रहा हूं। अब ये देखिए कि रिसालत मासूद सल्लम बतने अक्दस में आते हैं तो हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, आप फरमाती हैं कि बशारतों का आगाज,
भाई जिस तरह की ईद होती है, जिस तरह की खुशी होती है, उसी तरह का इजहार होता है। ठीक है कि नहीं है? भाई मुबारकबाद देने के लिए बड़ी बड़ी माएं आने लगी और बड़ी बड़ी माएं बड़े लोग अपने से बड़े की तरफ जाते हैं, तो बड़ी बड़ी वालिदा आने लगी। हजरत हवा भी आई, हजरत आसिया भी आई, हजरत मरियम भी आई, तमाम सलामुल्लाहि अलैहिन्न अजमाइन सब आए और सब ने आके कहा मुबारक हो आमिना। क्या कहा? मुबारक हो आमिना कि अल्लाह ने अपनी खत्मुर रसूल की अमानत तुम्हारे बदन में रखी है। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हजरत हव्वा को कैसे पता चला? भैया तो उन्हें खुशबू आई या पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें कि अब मैं चला, मेरी विलादत का वक्त आ रहा है और मेरी वालिदा का नाम ये होगा। भाई आप भी तो वही हैं जहां पे हजरत हव्वा हैं, विलादत से पहले वही जहां पे हजरत हव्वा हैं, हजरत आसिया हैं, हजरत मरियम हैं, वो तमाम माएं वहीं पर थी, मुकद्दस और पाकीज़ा ख़वातीन वहीं पर थी। अल्लाह हमारी बच्चियों को वही किरदार अता फरमाए, वो वहीं पर थी। तो उन्होंने आके मुबारकबाद दी, किसी ने तो बताया होगा उन्हें या फिर मुस्तफा करीम ने अलहदा बताया होगा कि अब मैं जाने लगा हूं, अब जाने लगा हूं मैं दुनिया में और हजरत आमिना के बतन अक़दस से मेरा ज़ुहूर होगा। वो सब सलामती के लिए आई और मुबारकबाद के लिए आए कि मुबारक हो आपको, अभी तो विलादत हुई नहीं है, हम तो विलादत के बाद ईद मनाते हैं, हम तो विलादत के बाद ईद मनाते हैं और उन माओं ने विलादत से पहले मुबारकबाद दी है। हम पे इतराज तो होता ही नहीं है कि विलादत के बाद हमारा मसला, ये तो नॉर्मल रूटीन है जो हम कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल बात है। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, बकिया अंबिया ने हजरत आमिना को मुबारकबाद दी, आपकी उन्होंने भी मुबारकबाद दी कि अंबिया के नबी आ रहे हैं, खत्मुर रसूल आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। अब ये हजरत आमिना ये भी फरमाती है कि मुझे प्यारी प्यारी निदाएं आती, कायनात से सबसे निदाएं आती, मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना। मेरा ख्याल है कि आसपास का सारा माहौल मुबारक देता होगा, मुबारक देता होगा, जिस तरह ये कहता होगा मुबारक है आपको। मैं समझता हूं कि कायनात का जर्रा जर्रा मुबारक दे रहा होगा और समंदर का हर कतरा मुबारक देता होगा। ये कोई मुबालगा नहीं है, मुबालगा नहीं है, मुबालगा इसलिए नहीं है, ये नहीं है कि हम कोई हद से बढ़ रहे हैं। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर वहां से इतनी बड़ी खवातीन आ सकती हैं तो इस जमीन के जर्रे की हैसियत ही क्या है? भाई इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इसने तो उन्हीं के पीछे चलना होता है। भाई इतनी बड़ी खवातीन और अंबिया अगर मुबारकबाद के लिए आ रहे हैं तो फिर इस कायनात में तो उनके पीछे चलना होता है, आगे तो नहीं चलना होता। जो वे कर रहे हैं उन्होंने यही करना होता है। तो कायनात का हर जर्रा ये पहचान गया कि कौन आने वाला है। और हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा की बशारतें, इज्जतें और विलादत से पहले ज़ुहूर, ज़ुहूर से पहले, विलादत के ज़ुहूर से पहले ये सारी बातें हैं। ये दरअसल ये तरीका एक कार अल्लाह बता रहे हैं कि जिस तरह की खुशी होती इजहार भी उसी तरह। भाई आपके यहाँ औलाद होती है तो आपका भाई मुबारकबाद देता है, आपके यहाँ बहन आती है मुबारक हो आपको, आपके यहाँ आपकी वालिदा आ जाएगी कहीं मुबारक हो आपको, पांच छह अफराद आएंगे आपके पास मुबारक देने के लिए आएंगे, मुबारक देने के लिए आएंगे और मुबारकबाद उस खुशी के मुताबिक होगी और आपका इजहार उस खुशी के मुताबिक होगा। पैगंबर करीम इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी है मुसलमान के, इसलिए इसके इजहार का तो हमें तरीका ही नहीं आता।
हमें पता ही नहीं है कि कैसे करें। हम तो सारे जतन करते हैं, कभी रात को जागते हैं, कभी दिन को जागते हैं, कभी खिताब करते हैं, कभी खिताब सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। हम तो जतन करते हैं कि किसी तरह इस खुशी के इजहार का कोई हक तो अदा हो जाए। हम तो जतन करते हैं, कोशिश करते हैं, जान खपाते हैं, दूर दराज के सफर करते हैं, ये सोचते हैं चलो ये सफर पैगंबर करीम की खिदमत की खातिर हो रहा है, दीन की सरबलंदी के लिए हो रहा है, आपके नाम की खातिर हो रहा है। ये जतन है हमारे कि मैं वहां से आऊं यहां तक, आप दूर से आए यहां तक। ये जतन है इस बात का कि काश हम अल्लाह की बारगाह में हमारी खुशी कबूल हो जाए। ये तो ये जतन है, हमारे जतन है, हमारी कोशिशें हैं कि हम अपनी खुशी को खुदा की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं। वरना जिस तरह की खुशी नसीब हुई है, इजहार का तो हमें तरीका ही नहीं आता, इजहार का तरीका नहीं आता। अब देखिए सदियों से मुसलमान पैगंबर करीम की इज्जत और हुर्मत को बयान कर रहा है, और ऐसे भी बयान करने वाले हैं कि जिन्होंने लाखों सफात लिख डाले, मगर यही कहा कि मैं वो न लिख सका जो मेरा दिल कहता है, वो मैं न लिख सका जो मेरी कैफियत कहती है, वो मैं न लिख सका जो मेरे पैगंबर का हक था, मैं कुछ न कर सका, पर ये है कि जितना मैं कर सका है मेरे प्यारे खुदा उसे कबूल कर दे। अपने हबीब के सदके में उसे कबूल कर लेना। खुशी का अंदाज इजहार का जुदा होता है। दोस्तों खुशी के इजहार पे क्या इतिहास है? आप ये कहें हाँ खुशी गलत है, आप कहें गैर शरी खुशी है, तो फिर तो हम सोच सकते हैं, पर इजहार का तरीका तो होता ही मुख्तलिफ है। बच्चे की विलादत पे इजहार का मुख्तलिफ तरीका होता है, इंसान खुशी का इजहार मुख्तलिफ करता है, हम खुशी का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, पर याद रखिए कि हम उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह अल्लाह ने फरमाया है। कि कुरान कहता है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बास फीहिम रसूला, कि ये जो हमने पैगंबर भेजे हैं, जितनी खुशी तुम महसूस कर रहे हो ये एहसान है हमारा, पर तुम्हारे पास खुशी के इजहार का अंदाज नहीं है, तुम कैसे इजहार कर पाओगे? तुम इंसान हो, इसीलिए अल्लाह ने बस ये फरमा दिया अलम नशरह लक वदअना कबीरा अल्लजी अनकद ज़हरा वरफअना लक ज़िक्रा। भाई खुशी का इजहार है, हम वैसा नहीं कर सकते इतने मुख्तलिफ कलाम में, इस मुख्तलिफ अंदाज से पैगंबर करीम की जो खुशी हमें नसीब होती है उसका इजहार हम पूरी तरह नहीं कर सकते, पर करने का हक तो रखते हैं। भाई कर नहीं पाते, हक तो रखते हैं इस बात का। खुशी अगर गलत है तो आप बताइए, खुशी अगर गलत है तो आप बताइए, कोई इस खुशी को गलत कह सकता है? अगर इस खुशी को गलत नहीं कह सकता तो इजहार खुशी को गलत कैसे कर? दोस्त असल में समझ नहीं पाते कि ये तो सिर्फ इजहार है, इजहार पे तो इतिहास ही नहीं है, एतराज इस बात पे है कि क्या खुशी गलत है, क्या खुश होना गलत है? खुशी के इजहार को जिस तरह चाहे आप कर लें। बस तकबीर देखिए, खुशी के इजहार के बहुत से तरीके हैं, मगर एक तरीका जो आखिर में बस बयान करता हूं और अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, खुशी के इजहार के बहुत से तरीके हैं, मगर मुख्तलिफ तरीकों में एक तरीका बहुत अहम है जो हमारी जिंदगी में मामूल में आता है। मिसाल के तौर पे हम खुशी के इजहार के लिए देखिए, हम कुरान मजीद को चूमते हैं, जब हम इसे खोलते हैं तो सबसे पहले यीशु करके चूमते हैं, तो ये नहीं कहा गया कि इसे क्यों चूमते हैं। दरअसल ये खुशी के इजहार का तरीका है। अब देखिए कभी हम यूं करके यूं साफ करते हैं तो फिर अपने हाथों आंखों पर फेर लेते हैं, अजान में जब पैगंबर करीम का इसमें गिरामी आता है तो खुशी के इजहार के लिए हम अंगूठों को चूम देते हैं, आंखों पे लगाते हैं और फिर कहते हैं खुद रतवाई नहीं देखते।
आप तो मेरी आंखों की ठंडक है, आपके सिवा कौन है जो मेरी आंखों की ठंडक होगा। इजहार के तरीका एकार है, खुशी अगर गलत नहीं है कैसे गलत। बात यह है कि आप मुंह चूमते हैं, ठीक है, उसके कोई हर्ज नहीं है। सहाबा किराम की बात अर्ज करता हूं और उसके बाद के दौर की ताबईन की बात अर्ज करता हूं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह बात आप सुने और आपको महसूस होगा कि कैसे सहाबा ने खुशी का इजहार किया है। मतलब हजरत अबू हुरैरा की बात से पहले मैं अर्ज करता हूं, हजरत अमीर मुआविया जब वफात पाने लगे तो आपने फरमाया पैगंबर करीम के नाखून मुबारक हैं, मुहरें मुबारक हैं, कुछ चीजें और हैं, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाने के बाद मेरी आंखों पर यह रख पूछा गया कि ये क्यों, ठीक फरमाया कि मेरी बख्शिश का इम्कान मैं अपने आमाल की बुनियाद पे तो नहीं रखता, मैं नहीं कहता कि मुझे मेरे आमाल की बिना पे बख्शिश मिलेगी, पर ये जो मेरी आंखों पे पड़े होंगे तो अल्लाह इनकी इज्जत और इकराम के सत्य में मुझे बख्शिश अता फरमा। सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का हज़रत अबू हुरैरा जब बेचैन और मुस्तरिब होते, हज़रत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसनैन को और हज़रत इमाम हसन को चूमते देखा, चूमते देखा, बदन को भी चूमते देखा, कमर को भी चूमते देखा, चेहरे को भी चूमते देखा, गले को भी चूमते देखा, सर को भी चूमते देखा। पैगंबर करीम ने हसनैन को चूमा है, ये गैर शरीफ तो नहीं होगा इजहार खुशी, ये गैर शरीफ तो नहीं है। अब देखिए आपने अपने नवासों को अपने कंधों पे सवार करवाया, खत्मुर रुसुल ने अपने नवासों को अपने कंधों पे सवार करवाया। खुशी के इजहार का तरीका है, खुशी का अंदाज है, इजहार है। आप हजरत अबू हुरैरा भी देखा करते थे, जब हजरत अबू हुरैरा के लब रसूलुल्लाह सल्लम की जात पाक को चूमने के हवाले से बेचैन और मुस्तरिब हो जाते तो आप हजरत इमाम हसन को बुलाते और न चेहरा चूमते, न बाल चूमते, न हाथ चूमते, हजरत इमाम हसन से फरमाते आप कि बेटा जरा जहां पे आपने देखा था कि रसूलुल्लाह के लब लगते हैं वहीं पे लब कितनी देर तक लगा के रखते और कहते बेटा जरा ठहरना, जरा ठहरना, जरा ठहरना, जो लज्जत में महसूस कर रहा हूं वो कायनात में कभी नहीं, जरा ठहरना, थोड़ी देर जरा ठहरना, थोड़ी देर ठहरना। इस अगर किसी की अपनी कैफियत नहीं है उसकी अपनी मर्जी है, मगर खुशी के इजहार के मुख्तलिफ अंदाज हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनके बारे में कहा जाता है वो भी खलीफा राशिद है, उसी उस्वा पर चले और अपने निजामे जिंदगी को बेहतर किया, पूरी मम्लिकत के निजाम को बेहतर किया। आपके बारे में है कि आपके सामने रसूलुल्लाह के दौरे पाक की लिखी हुई हजरत बिलाल बिन हारिस के हाथ से लिखी हुई कुछ बातें जो रसूलुल्लाह ने लिखवाई थी, रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से नहीं लिखी, उन्होंने लिखी थी रसूलुल्लाह की बातें, पर दौरे नबवी की थी, वो रसूलुल्लाह के पास होती हुई आपके पास पहुंची। तो जब आपके पास पहुंची वो मक्तूबात थे, हाथ से लिखे हुए थे, आपने उन्हें उठाया, होंठों से चूमा और आंखों से कितनी देर तक लगाया। कोई कहेगा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो कुरान भी चूमे तो लोग कहते हैं क्यों भाई ये क्या करते हो। बात यह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सहाबी रसूल की लिखी हुई तहरीर जो दौरे रिसालत पे लिखी गई थी, फरमान नबवी था, उसे उठाया, होठों से चूमा, आंखों से लगाया और कितनी देर तक अशबार रहे और रोते रहे दौरे रिसालत को याद कर। दोस्तों मुसर्रत के इजहार के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आप खुशी को गैर शरी करार नहीं दे सकते तो इजहार के अंदाज को भी गैर शरी करार न दें। हर दौर का एक तकाजा होता है, हर दौर के तकाजों के मुताबिक खुशी मनाई जाती है और हर दौर में वसत के मुताबिक खुशी मनाई जाती है। देखिए हमारी जो वसत थी हमने उसकी कोशिश की है, जिन दोस्तों ने जिस हद तक वसत के मुताबिक कोशिश की है
अल्लाह उसे कबूल करे। अंदाज को आप गलत करार न दें, इसलिए कि मुसर्रत पे आपको अगर इतराज है वो उस पे इतराज कर नहीं सकते, हमारे इजहार पे इतराज कर। बात यह है कि इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप अगर कभी जिंदगी में नशिस्त हुई तो मैं आपको बता पाऊंगा कि सहाबा इकराम ने खुशियों के इजहार के लिए और शुक्रगुजारी के तौर पर किस किस तरह के इजहार किए हैं। खुद पैगंबर करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के इजहार के लिए क्या क्या अंदाज अपनाए हैं, क्या क्या तरीका कार अपनाए हैं। हर तरीका अपने दौर की तकाजों के मुताबिक होता है, इंसान की अपनी कैफियत के मुताबिक होता है। कभी इंफिरादी खुशी अपनी कैफियत के मुताबिक होती है और इज्तिमाई खुशी अपनी कैफियत के मुताबिक होती है। लिहाजा खुशी को मनाने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर बंदगान खुदा को खुश होने भाई थोड़ा सा खुश होने दें, इसलिए कि बड़े गमजदा हैं, बड़े दुखी हैं हम। हालात जिन हालात से गुजर रहे हैं हम बहुत दुखी हैं। हम जब रात को सोना चाहते हैं हमारी नींद आंखों से दूर हो जाती है, जब हम हालात से गौर करते हैं हम गमजदा हैं, परेशान हैं हम। हमें कुछ देर के लिए तो पैगंबर के साए में आने दो ताकि हम पुरसकून हो जाए, फिर पुरसकून होके फिर अपने हालात से लड़ना शुरू कर दें। ये दरअसल इसलिए है कि हम पैगंबर की खुशी में इस तरह खुश हो जाए तो कुछ देर के लिए सब कुछ फरामोश हो जाए, फिर एक दफा हम ताजा तन हो जाए, हम बिल्कुल बर्फ की तरह हो जाए, मजबूत हो जाए, फिर उसके बाद जिंदगी की शराब चल पड़े। ये इसीलिए होता है, हमें खुश होने दें। आप ना हो तो आपकी मर्जी, हमें तो ताकतवर होने, इसलिए कि एक ही ताकत है हमारी जिंदगी में और वो सिर्फ पैगंबर करीम की कुर्बत है और आपके साथ के हवाले से मसर्रत। बस वो भी खुश करती है हमें, उसके सिवा आप तो खुशी भी खुश नहीं करते। इस खुशी के सिवा आप कोई खुशी खुश भी नहीं करती हमें। हमें यही खुशी खुश करती है कि जो इस जहां से भी बलंतर है, इस मकान से भी बलंतर है, हमें खुश होने दें कुछ देर के लिए ताकि हम फिर एक मरतबा जवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, मजबूत हो जाए। जिस तरह वो फाकाकश जो मौत से डरता है, यही तो साजिश है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इससे दामन बचाइए, इससे बच जाइए। फाका आपको नहीं मारता, पर ये जो खुशी है अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। हम फाके से नहीं डरते, पर रूहे मोहम्मद निकल गई तो फिर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। Thank you.